होना चाहिए, हम एक सब पर श्राप मिला था इसको। अच्छा, जैसे तुम परेशान हाँ। वैसे सबको परेशान करोगे हैं? मैंने खुद से थोड़ी बनाया था खुद को। क्यों मुझे बदनाम किया? तुमको श्राप है हिजड़ों का, पता नहीं? कभी किसी हिजड़े का, कभी किसी हिजड़े का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ध्यान रखो। कभी भी जितने लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मेरी क्या गलती है? हिजड़े का मजाक उड़ाया उसका श्राप, और ये हिजड़ा इधर अंदर, और इस इनको हिजड़ा बनाने के लिए सब लगे हुए इधर। सुनता नहीं था, कोई बात नहीं। इसको बेटा सीधे हो, तुमको मुक्ति मिलेगी, चिंता मत करो। तुम्हारा श्रृंगार नहीं होगा, तुम्हारी मुक्ति में मुक्ति मिलेगी। बाबा से प्रार्थना करो, मुझे हिजड़ा नहीं बनाना कभी। अगली बार तुम अच्छे बच्चे पैदा होगे, बनके अच्छे बच्चे बनके पैदा होगे, पूरे बनके पैदा होगे, ठीक है? बाबा से प्रार्थना करो मुक्ति के लिए, प्रार्थना करो, तुम्हारा श्रृंगार नहीं होगा। सही बोल रही, इसने आत्महत्या की थी रेल के आगे कूद के, ट्रेन के आगे। मुझे कभी मुक्ति नहीं मिली। मैंने इसको पता है कहाँ पकड़ा था? ये ना जा रही थी रेल की पटरी से, और मैं पीछे पीछे जा रही थी, मैंने देखा इसको, मैं पकड़ पीछे मुड़ के इसने देखा था, मैं आ गई इसके अंदर। मैं को मुक्ति चाहिए। मैं बहुत 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 भटकी हूँ, बहुत भटकी हूँ, मैं तंग आ गई हूँ, हमेशा रोती रहती हूँ, मुझे क्यों बनाया इजड़ा, मुझे क्यों बनाया। ठीक है बेटा, आपको मुक्ति मिल रही है, आंखें बंद। कभी किसी को बाबा जी से बोलो कभी किसी के घर में इजड़ा नहीं बनाए, बहुत दुनिया बेकार है। अगला जन्म तुमको पूरा पूरा होके पैदा होगी, पूरा शरीर लेके पैदा हो, ठीक? आंखें बंद, बाबा से प्रार्थना करो, पहले अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करो, माँ को से प्रार्थना करो, फिर बाबा माता से प्रार्थना कर लो कि मुक्ति दें, और आप क्षमा मांग लो कि आइंदा कभी किसी भी हिजड़े की या किसी असहाय का कहीं मजाक नहीं उड़ाओगे। क्षमा कर दो, बोलो मुझसे क्षमा कर दिया जाए। माफी मांगता हूँ कि भूल में भी मैं किसी का अपमान नहीं करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत खुश। ठीक, तैयार हो मुक्ति के लिए? तैयार। ओम बाहर निकल जा रहे हैं, आज से दोबारा नहीं आएंगे। ओम मुक्ति। Yeah.
बैलेंस बैलेंस एक साथ दोनों से। अब ये हुआ उसके मुक्ति पा जाने से इसको कमजोरी नहीं आएगी, अगर संहार करते तो कमजोरी आ। बैलेंस ओम बोलो, ओम नमः शिवाय। उठो बेटा, धीरे धीरे उठ जाओ बेटा। बैलेंस, अब कमजोरी नहीं आएगी तुम्हें क्योंकि स्वेच्छा से और मुक्ति पाके गए। दोनों में असर उसका चल रहा है। हाँ दोनों थे ही, दोनों में तो दोनों में हम कभी जानकारी में गुरु जी नहीं ऐसा हुआ है, पता है ना, अनजाने में हुआ। बिल्कुल हुआ है। बैलेंस बढ़िया बेटा, ये जन्मों जन्मों का मामला होता है। जन्मों जन्मों का मामला होता है ना, कैसा होगा ये खेल ही ऐसा। हाँ ये खेल देख तो कैसा, यहाँ इंसानी ये दरबार है, यहाँ कोई झाड़ फूक तो होती नहीं, ये तो ईश्वर का दरबार है। आपकी इच्छा पे चलता है, आपकी प्रार्थना, आपके संकल्प पे चलता है। अब इन बच्चों ने अभी जो लिख के दिया हमें, जो लिखा लिख के दिया, नहीं संकल्प ही नहीं करने देते थे ना वो, है ना, ये सब बच्चों ने लिख के दिया अभी, वो संकल्प ही नहीं, एक भी संकल्प पूरा नहीं हुआ था, अभी अभी सब पूरे कराए है ना। हम भी परेशान थे कि हमारा रोज कुछ नहीं, कुछ क्यों नहीं हो रहा, नहीं इसीलिए तो लोग हमने कर लिया संकल्प, ऐसे ये अंदर बैठे लोग नहीं करने संकल्प। खुश हो बेटा, अरे भाई भागने ले चले गए। हाँ क्या चाहती, भागे हाँ। मेरे सपनों में मेरा मुंह ऐसा खून नोच के ले जाता है, और मैं अगर ध्यान करती हूँ तो मुझे आधा कटा हुआ शरीर और सिर्फ आँख ही दिखता है, ऐसा दिखता है। वो भी निकाल लो, अभी काटेंगे कमजोरी आ जाएगी बेटा, अभी तो तमाम है, बोलते, चलो घर, चलो है ना, चलो घर, चलो। अभी तो ये है ही, अब हम लोगों से नहीं, फिर लिख लेना आपने सब जैसे लिखी थी आज, तुम लोग वो समझते नहीं दिखाया था मैंने, ये लोग सब नहीं, मैं बोली काम गड़बड़ कर जाती हूँ, लिख लो पहले तब ये सब कट गया। अच्छा अब और भी तुम अपनी समस्याएं बेटा लिख लो, ठीक, फिर हम इकट्ठा फिर हम निकाल देंगे, ठीक है, हम 4-5 दिन के बाद तो कर लेंगे, हम कर देंगे, कल जोरी आ जाता है, कल परसों से नफिले करने निकल जाएगा वो, हम लोगों से दोनों लोग से वही कोशिश करेंगे, कल नहीं प्रॉब्लम, कल करेंगे। दाहिनी आँख से बाएं से तो साफ दिखता है, लेकिन दाहिनी आँख से कोई पहचान में नहीं आ रहा है, और ये 2 साल से परेशानी जैसा महसूस हो। आँख बंद करो, आँखें बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो, अब देखो अब साफ हुआ पहले से नहीं आया क्या, नहीं था उतना ही। इधर देखो, ये क्या आँख बंद करो, ये क्या उंगली, क्या उंगली, और अब तीन और क्या देखोगे, अब दूर का लंका के देखोगे, ये लोग का चेहरा नहीं दिखता है, चलो ये लोग का चेहरा ठीक धीरे धीरे दिखने लगे गोभी, चलो कभी कभी। हाँ बोलो, कभी कभी मेरा सर इतना दुखता है, इतना दुखता है बेटा, यही चीज़ है, ये सब लिखोगे ना, जो चीज़ें लिखोगे यही सब चीज़ लिखना है आपको, लिख के हमें कल देना जब बैठाएंगे, ठीक है, जाओ खुश हो। अरे बेटा कोई गलती नहीं बेटा, वो तो आवेश है, तुम लोग बोलते ही रहे, सभी लोग बोलते रहते हैं, खुश हो, खूब खुश। हाँ ये देख के फिर थोड़ा सा एसी वाले देख के, थैंक यू, जय श्री कृष्णा, लगा भाई भोग और सबको पेश किया जाए प्रसाद, बताओ बेटा। 10 साल से ज़्यादा से बीमार, मैंने जगह जगह इलाज कर कहीं आराम नहीं पड़ा, सितंबर में यहाँ से जुड़ी हुई बिल्कुल ठीक हो गई थी मैं, सितंबर में बिल्कुल। अभी देखो आज आपने जो भी संकल्प किए वो सारे तंत्र कटे, ये चिकित्सा का आखिरी पड़ाव होता है, पहले कष्ट